तो बस स्वागत है आप सबका आज की स्टूडियो में। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कैनी ओमेगा के बारे में, जिन्होंने यहाँ पर कल के डायनामाइट के शो के अंदर यहाँ पर अपना रिटर्न कर लिया, कमबैक कर लिया कह सकते हो। यहाँ पर काफ़ी बड़ा रिटर्न था और काफ़ी जिस तरीके का उनको पॉप मिला यहाँ पर क्राउड की तरफ से, और जिस तरीके से यहाँ पर जस्टिन रॉबर्ट ने उनकी जो अनाउंसमेंट वो की थी, पूरा इंट्रोड्यूस करा था उनको, वो काफ़ी ना कमाल का था। और कमाल का उनका रिटर्न हुआ कल के यहाँ पर डायनामाइट के शो के अंदर। और जो ट्रियोस यहाँ पर टैग टीम टूर्नामेंट चल रहा है उसके अंदर यहाँ पर यंग बक्स और कैनी ओमेगा आप यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके हैं टूर्नामेंट के अंदर, यहाँ पर वो आगे बढ़ चुके हैं। और कैनी ओमेगा का यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फेस टर्न नहीं है अभी, यहाँ पर हील सुपरस्टार नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो फेस के तरह यहाँ पर आए हैं, क्योंकि यंग बक्स भी अभी रिसेंटली फेस में चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर, कैनी ओमेगा हील नहीं है यहाँ पर, तो कैनी ओमेगा यहाँ पर वापस आ चुके हैं AEW के अंदर। काफ़ी कह सकते हो सही बात है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर AEW के अंदर चल रही हैं, ऑल आउट आने वाला है तो काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पर। और ऑल आउट से यहाँ पर बात चले तो यहाँ पर जो फर्स्ट मैच है यहाँ पर ऑल आउट का, वो कन्फर्म हो चुका है, अनाउंस हो चुका है, जो कि यहाँ पर होने वाला विमेंस चैंपियनशिप का मैच थंडर रोजा और टोनी स्टॉर्म के बीच में। दोनों इस टाइम पे हम जानते हैं आपस में यहाँ पर दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं दोनों, लेकिन यहाँ पर इनका मैच होने वाला है ऑल आउट के अंदर। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो टोनी स्टॉर्म है वो यहाँ पर नंबर वन रैंक पर चल रही है, इस वजह से यहाँ पर वो चैलेंज कर रही है थंडर रोजा को। तो अभी तो यहाँ पर इनके बीच में कुछ भी नहीं है, मैच यहाँ पर ऑफिशियल है, देखते हैं आगे चल के यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इनकी फ्यूड का जो है वो बिल्डअप होता है। और ऑल आउट से यहाँ पर बात चली तो यहाँ पर जो मेन इवेंट था ऑल आउट का, हम यहाँ पर सोच रहे थे देखने को मिलेगा CM Punk और जॉन मॉक्सली का मैच, लेकिन यहाँ पर AEW ने इनका जो मैच है वो नेक्स्ट वीक के शो के लिए कंफर्म कर दिया, अनाउंस कर दिया है, और नेक्स्ट वीक यहाँ पर इनका मैच होने वाला है, जो कि होगा अनडिस्प्यूटेड AEW चैंपियनशिप के लिए, यानी कि टाइटल्स यहाँ पर यूनिफाई होंगे, दोनों यहाँ पर चैंपियन है, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक इनका मैच होने वाला है। तो काफ़ी जो बड़ा मैच है, जो ऑल आउट का मेन इवेंट हो सकता था, वो अब नेक्स्ट वीक मैच हमें देखने को मिलेगा। और पता नहीं है यहाँ पर इस मैच का कोई रिजल्ट निकलेगा या फिर नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर ये मैच नेक्स्ट वीक हो रहा है तो फिर ऑल आउट के अंदर क्या होगा, ऑल आउट के मेन इवेंट के अंदर कौन सा मैच हमें देखने को मिलेगा, तो वो अभी कह सकते हैं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगली अपडेट की बात करें तो वैसे यहाँ पर कल स्मैकडाउन का शो भी आने वाला है, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस हैं। जो वुमेंस टैग टीम टूर्नामेंट चल रहा है उसको लेके हमें मैच देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर कल डेब्यू होने वाला है निकिता लायंस और यहाँ पर जोई स्टार्क का, तो वो यहाँ पर NXT से आने वाले हैं कल के स्मैकडाउन के अंदर, तो इनका मैच हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा वाइकिंग रेडर्स का भी कोई सेगमेंट होने वाला है, और ड्रू मैकइंटायर और रोमन रिंग्स यहाँ पर कल की स्मैकडाउन में फेस टू फेस आने वाले हैं। अब क्या हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई ब्रॉल वगैरह या फिर कुछ कमाल के प्रोमोज वगैरह, तो वो तो कमाल का इनका सेगमेंट होने वाला, देखेंगे कल के इनके सेगमेंट के बीच में या फिर सेगमेंट में हमें क्या देखने मिलता है, काफ़ी हमें मज़ा आएगा कल की स्मैकडाउन के अंदर। और यहाँ पर बात ही चली है ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस के बारे में, तो हम जानते हैं इनका मैच होने वाला है यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जो कि क्लैश एट दी कैसल का मेन इवेंट होने वाला है। यहाँ पर इस मैच के विनर की बात करें, कौन यहाँ पर इस मैच को जीतेगा, तो यहाँ पर इस मैच के जो बैटिंग ऑड्स हैं वो यहाँ पर निकल के आ चुके हैं, और इस मैच के अंदर यहाँ पर जो फेवरेट हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं हमारे चैंपियन यानी कि रोमन रिंग्स, इस मैच के अंदर वो फेवरेट चल रहे हैं कि वो यहाँ पर इस मैच को जीतने वाले हैं। इसके साथ ही कुछ और मैचेस के भी बैटिंग ऑड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर विमेंस चैंपियनशिप का जो मैच होगा उस मैच के अंदर यहाँ पर लिव मॉर्गन फेवरेट चल रही हैं, और जो सिक्स वुमेन टैग टीम मैच होने वाला है उस मैच के अंदर यहाँ पर जो बेली का ग्रुप है वो यहाँ पर फेवरेट चल रहा है, लेकिन ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस के मैच के अंदर यहाँ पर रोमन फेवरेट चल रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आपको इसके पहले के बैटिंग ऑड्स बताऊँ तो यहाँ पर दोनों के जो ऑड्स थे वो यहाँ पर सेम थे, लेकिन अब यहाँ पर रोमन आगे आ चुके हैं ऑड्स के अंदर, और यहाँ पर वो इस मैच के अंदर फेवरेट चल रहे हैं, और शायद यहाँ पर वो इस मैच को जीतने वाले हैं, और काफ़ी सारे लोगों की शायद प्रिडिक्शन भी यहाँ पर यही होगी कि रोमन यहाँ पर इस मैच को जीतेंगे। तो वो तो आगे चल के हम देखेंगे क्या होता है क्लैश एट दी कैसल के अंदर, कौन यहाँ पर इस मैच को जीतता है, और बाकी हम जानते हैं बैटिंग ऑड्स तो यहाँ पर चेंज होते रहते हैं, तो आगे चल के काफ़ी कुछ हमें पता चल जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर क्लैश एट दी कैसल की यहाँ पर डेट एंड टाइमिंग नहीं पता क्या होने वाली है, तो आप इस वीडियो को जाके देख लेना, इस बार सुबह नहीं बल्कि रात को शो में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको टाइमिंग नहीं पता तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो, लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगली अपडेट की बात करें और गाइज यहाँ पर MJF, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से AEW के अंदर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि डबल और नथिंग के बाद ही हमने देखा था कि उनका वो पाइप बॉम्ब निकल के आया था, जहाँ पर टोनी खान के ऊपर वो ब्लास्ट हो गए थे, उन्होंने बोल दिया था मुझे रिलीज़ कर दो, निकाल दो यहाँ पर कंपनी से, और उसके बाद से यहाँ पर जो MJF का नामो निशान है वो AEW से मिट चुका है, सब कुछ यहाँ पर हटा दिया, उनको कहीं मेंशन नहीं किया जा रहा उनके वेबसाइट के ऊपर से, चाहे उनकी मर्चेंडाइज हो, सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दिया है, और MJF के बारे में यहाँ पर उसके बाद से किसी ने बात भी नहीं किया है AEW के अंदर। लेकिन अब यहाँ पर MJF को लेके एक रिपोर्ट यहाँ पर आई, और अपडेट यहाँ पर यह है कि MJF कभी भी यहाँ पर अपना रिटर्न कर सकते हैं, यानी कि शायद यहाँ पर टोनी खान के साथ उन्होंने जो उनका मैटर है वो यहाँ पर सॉल्व कर लिया है,
और कभी भी यहाँ पर MJF का रिटर्न हो सकता है। और जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी बात की कि यहाँ पर ऑल आउट आने वाला है और नेक्स्ट वीक यहाँ पर AEW जॉन मॉक्सली और CM Punk का मैच करा दिए, तो ऑल आउट का मेन इवेंट क्या होगा, तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ लग रही है कि अगर MJF का रिटर्न होने वाला है तो क्या पता नेक्स्ट वीक यहाँ पर उनका रिटर्न हो जाए और CM Punk और जॉन मॉक्सली के मैच के बाद यहाँ पर MJF अपना रिटर्न करें और यहाँ पर वो कन्फ्रंट करें वर्ल्ड चैम्पियन को, जो कि शायद CM Punk हो सकते हैं। तो CM Punk वर्सेज MJF एक और बार इनका मैच हमें देखने को मिल सकता है ऑल आउट के अंदर, उसके मेन इवेंट के अंदर, जो कि इस बार होगा AEW वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ यहाँ पर इसको लेके रिपोर्ट्स निकल के आई हैं, लेकिन जो MJF को लेके अपडेट आई है कि यहाँ पर वो कभी भी अपना रिटर्न कर सकते हैं, और क्योंकि ऑल आउट का मेन इवेंट अभी कुछ क्लियर नहीं है तो क्या पता यहाँ पर ऐसा कुछ हमें देखने को मिल जाए। बाकी हम देखेंगे, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे या फिर अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये कुछ अपडेट थी। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आपको क्या लग रहा है, MJF का रिटर्न अगर होता है तो कहाँ पर उनका कमबैक होना चाहिए और ऑल आउट के अंदर उनका मैच हमें किस सुपरस्टार के साथ देखने को मिलना चाहिए। जो भी आपका कहना है इन सारी अपडेट्स के बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और फिर तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार के, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।